नमस्कार दोस्तों, मैं टोकन कमाल। आइए आज हम देखेंगे मैक्सिमो गाड़ी का क्लच प्लेट कहाँ पर होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आइए देखते हैं। तो आज हम देखते हैं इस गाड़ी का क्लच प्लेट बदला जा रहा है, क्लच प्लेट कहाँ पर होता है। ये जो भाग दिख रहा है इसके अंदर जो होता है क्लच प्लेट, ये पीछे के भाग को गियर बॉक्स बोलते हैं। उसको अभी उतारा जा रहा है। क्लच प्लेट बदलने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्लच प्लेट का पूरा गियर बॉक्स उतारना पड़ता है। जग के माध्यम से जग लगा करके उसको उतारा जाता है। अभी गाड़ी खुल रही है, फिर देखते हैं क्लच प्लेट की क्या स्थिति है। अभी एक्सल को सटकाया जा रहा है। अब उसको बाहर निकाला जाएगा। ये हवा को देने बाद तो ये देखिए, ये क्लच प्लेट है महिंद्रा मैक्सिमो का। इधर देखिए, ये जो से घाट बना हुआ है इधर इतना कम ख़राब हुआ है, लेकिन इसके इस तरफ देखिए ये घाट अच्छा सा नहीं दिख रहा है। इधर में नट बोल्ट के साथ में घिस गया है सर, ये थोड़ा घिस गया। और ये जो प्रेशर होता है, ये प्रेशर भी देखिए यहाँ पे कटा हुआ है, कट गया है। अब ये दोनों बदला जाएगा। और फ्लाई व्हील निकाला जा रहा है, फ्लाई व्हील में भी कुछ प्रॉब्लम है, उसको भी निकाल के अभी दिखाते हैं। ये है फ्लाई व्हील, चलो यहाँ पे बढ़िया खराब आ गया है, ये हर बार निकल जाएगा। चलो हम देखते हैं मका के पुराना लेके जाएंगे अभी खराब मशीन पे, खराब कराएंगे। यहाँ पर होता है फ्लाई व्हील और क्लच प्लेट। ये हमारा गियर बॉक्स जो ऊपर दिया गया है, ये आपका एक सेल्फ है, ये वाला भाग ये सेल्फ है, जो सेल्फ चालू करते थे जो फ्लाई व्हील पे घूमता है, इससे हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है। ये पुराना वाला क्लच प्लेट है और ये इसका प्रेशर प्लेट है जो कि ये कट चुका है। अभी ये नया वाला लाए हैं, अभी इसे लगाया जा रहा है। अभी फ्लाई व्हील को मैंने भेजा हुआ है खराब के लिए, खराब तो होके आता है फिर उसको लगाते हैं। हमारा फ्लाई व्हील खराब होके आ चुका है, देखिए इसमें जो दरारें थी दरारें से बिट गई हैं। अब इस बार हम ये क्लच प्लेट लगाएंगे, प्रेशर प्लेट लगाएंगे और गाड़ी में बैठा देते हैं। राजा
बाद हम गियर बॉक्स को उसमें सेट कर रहे हैं। इस तरह से बारी बारी करके सभी नट को कस दिया जाएगा और हमारा ये क्लच प्लेट लग के तैयार हो जाएगा। हमारे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।